बच्चों, आज हम क्लास 7 इंग्लिश में पोएम द स्क्वायरल ये पढ़ेंगे। आप सभी बच्चे अपनी बुक्स निकाल कर तैयार हो गए होंगे। द स्क्वायरल, स्क्वायरल यानी गिलहरी, आप सबने देखी है गिलहरी। यू मे हैव सीन अ स्क्वायरल सिटिंग ऑन ग्राउंड ईटिंग अ नट। यू मे हैव सीन, आपने देखा होगा, हैव सीन देखा होगा, अ स्क्वायरल एक गिलहरी को सिटिंग बैठे हुए ऑन द ग्राउंड जमीन पर, ईटिंग अ नट नट खाते हुए। बच्चों, या नट का मतलब है अखरोट भी हो सकता है, कुछ में भी हो सकता है जो वो खा रही हो। वॉट डेड इट लुक लाइक, वह कैसी दिख रही थी। वॉट डेड, वह कैसी, इट ये वह लुक लाइक दिख रही थी। हियर इज अ पोएट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ जस्ट सच अ स्क्विरल। हियर इज, यहाँ है अ पोएट्स डिस्क्रिप्शन, एक पोएट का डिस्क्रिप्शन यानी विवरण, एक्सप्लेनेशन ऑफ जस्ट ऐसी ही सच आ स्क्विरल, ऐसी ही एक गिलहरी का विवरण यहाँ पर दिया हुआ है पोएट ने। बच्चों, ये जो पोएम है ये मिल्ड्रेड बोवर्स आर्मस्ट्रांग ने लिखी है, ये इसके पोएट हैं। ठीक है, पोएम देखते हैं। ही वोर आम क्वेश्चन मार्क फॉर टेल एंड ओवर कोट ऑफ ग्रे। ही सेट अप स्ट्रेट टू ईट आर नट। ही लाइक टू टीज एंड प्ले एंड इफ वी रैन अराउंड हिज ट्री ही वेंट द अदर वे। ये पोएम थी, एक्सप्लेनेशन देखिए इसका। ही वोर आ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल, ही वोर वह पहनती है, ही किसके लिए आया बच्चों, स्क्विरल के लिए आया। वोर पहनती है अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल, एक क्वेश्चन मार्क, टेल के हिसाब से क्वेश्चन मार्क, क्यों, ये देखिए फोटो में, ये देखिए इसकी जो है ये एक क्वेश्चन मार्क की तरह दिख रही है, इसलिए पोएट क्या बोल रहा है। ही वोर वह पहनती है अ क्वेश्चन मार्क, एक क्वेश्चन मार्क को, फॉर टेल, टेल के लिए वह एक क्वेश्चन मार्क पहनती है। एन ओवर कोट ऑफ ग्रे, एक ओवर कोट ऑफ ग्रे, ग्रे कलर का ओवर कोट, ये जो उसके रंग है बच्चों ये ग्रे कलर का होता है जो उसके ओवर कोट की तरह लगता है हमें। ही सेट अप स्ट्रेट टू ईट आ नट। ही सेट अप स्ट्रेट, वह सेट अप बैठती है स्ट्रेट, सीधी होकर, टू ईट आ नट खाने के लिए, आ नट एक नट खाने के लिए, नट यहाँ पे अखरोट भी हो सकता है बच्चों या कोई ड्राई फ्रूट हो सकता है जो वो खाने के लिए सीधी बैठती है। एंड ही लाइक टू टीज एंड प्ले, उसे पसंद है टीज परेशान करना और खेलना। परेशान करना कैसे, एक दूसरे के साथ जैसे हम हंसी ठिलौरी करके चिढ़ाते हुए परेशान करते हुए खेलते हैं, वैसे ही गिलहरी को भी टीज करके यानी परेशान करके खेलना पसंद है। एंड इफ वी रैन अराउंड हिस्ट्री, और यदि, इफ यानी यदि, वी रैन हम दौड़ें अराउंड हिस्ट्री उसके पेड़ के चारों ओर, ही वेंट द अदर वे, ही वो वैन चली जाती है द अदर वे दूसरी ओर। ये पोएट बोल रहा है कैसे बच्चों, जैसे पेड़ होता होगा, अगर मान लीजिए गिलहरी अभी यहाँ है और हम यहाँ पे आते हैं तो गिलहरी घूम करके इधर आ जाती है, और फिर अगर हम इस साइड आते हैं तो ये गिलहरी फिर से घूम कर इस तरफ आ जाती है, यानी ये गोल ऐसे पेड़ के चक्कर काटती रहती है। ठीक है, ये हमारी पोएम हुई, इसका एक्सप्लेनेशन। बच्चों, हमारा एक्सप्लेनेशन इस पोएम का कंप्लीट हो चुका है। अब सब बच्चे वर्किंग विद द पोएम इसके नीचे देखेंगे, वर्किंग विद द पोएम यानी पोएम के साथ हमें करके देखना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई डज द पोएट सी द स्क्विरल वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल, व्हाई, क्यों, डज द पोएट सी, पोएट ऐसा कहता है, द स्क्विरल वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल, स्क्विरल वोर पहनती है अ क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क को, फॉर टेल, टेल के लिए क्वेश्चन मार्क पहनती है। ड्रॉ अ स्क्विरल, एक स्क्विरल का चित्र बनाए, और या फाइंड अ पिक्चर ऑफ अ स्क्विरल, या फिर एक स्क्विरल का पिक्चर ढूंढें, सिटिंग ऑन द ग्राउंड जो जमीन पर बैठी हुई हो। हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट्स प्रे, आप इसकी पूंछ को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, वर्णन कैसे करेंगे। इसका ये होएगा कि पहले क्वेश्चन में आ जाएगा, फिर पोएट ने ऐसा इसलिए कहा है क्यों, क्योंकि जब वह अपने पीछे की टांगों पर बैठ कर कुछ खा रही होती है तो उसकी जो पूंछ होती है वह क्वेश्चन मार्क की तरह दिखती है, इसलिए पोएट ने ऐसा कहा है। तो हम इसे लिखेंगे कैसे, द पोएट सी का सेज हो जाएगा क्योंकि डस है। द पोएट सेज द स्क्विरल वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर अ टेल बिकॉज व्हेन द स्क्विरल सिट्स ऑन इट्स हिंड लेग, बच्चों पीछे की टांगों पे आया है तो उसके लिए वर्ड आता है हिंड लेग, ठीक है ना। तो बिकॉज व्हेन द स्क्विरल
sits on his hind legs and eats something, its tail seems like to be a question mark. फिर सेकंड है, how would you describe its tail? आप इसकी टेल को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? I would describe, क्योंकि जो क्यों देखा? I, मैं बता रहा हूँ, I would describe its tail as curved and fuzzy brush, यानी घूमी हुई, curved यानी घूमी हुई और fuzzy brush यानी टेढ़े मेढ़े दांतों वाले ब्रश की तरह मैं डिस्क्राइब करूंगा। ये हमारे क्वेश्चन नंबर वन का आंसर हुआ बच्चों, ये हमारा आंसर नंबर वन हुआ। अब आपको कॉपी में कैसे करना है कि नए पेज पे, जैसे नंबर वन आपका कंप्लीट हो गया होगा, उसके बाद नए पेज पे पोयम द स्क्वायर डालेंगे, वर्किंग विद द पोयम क्वेश्चन नंबर वन उतारेंगे, देन आंसर नंबर वन, ये रहा हमारा आंसर नंबर वन, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर टू पर चलते हैं। डू वी यूजुअली से दैट एनिमल वियर्स अ टेल? डू वी, क्या हम अक्सर से कहते हैं दैट कि एन एनिमल वियर्स अ टेल, एक जानवर जो है वेल, टेल जो होती है उसे पहनता है, धारण करता है। व्हाट डू वी से, हम क्या कहते हैं? नहीं, हम ये नहीं कहते कि एक जानवर जो है वो टेल पहनता है, तो आंसर कैसे लिखेंगे? नो, फिर क्वेश्चन में से आ जाएगा, वी डू नॉट यूजुअली से दैट एन एनिमल वियर्स अ टेल। व्हाट डू वी से, हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं इसके बदले में कि एनिमल की एक टेल होती है, तो लिखेंगे इसके बदले के लिए आ जाएगा इंस्टेड वी सी, हम कहते हैं दैट एन एनिमल हैज अ टेल, एक जानवर की टेल होती है, ये हमारे आंसर हो गए। अभी जो ब्रैकेट में है, थिंक डज एन एनिमल वियर अ कोट, कंसल्ट अ डिक्शनरी इफ यू लाइक एंड फाउंड आउट हाउ वियर इज यूज्ड इन डिफरेंट वेज। ये इसको हम कैसे करेंगे कि क्या एक जानवर कोट पहनता? नहीं, वह कोट नहीं पहनता, हम ये सब जानते हैं, ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आया होगा। बच्चों ये हमारा आंसर नंबर टू हो गया। नो, वी यूजुअली डू नॉट से दैट एन एनिमल वियर्स अ टेल, फर्स्ट ऑफ, इंस्टेड वी से दैट एन एनिमल हैज अ टेल, ठीक है, ये आंसर नंबर टू लिख दीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर थ्री पे चलते हैं। ही लाइक टू टीज एंड प्ले, हु इज टीजिंग हिम, हाउ? ही लाइक, वह पसंद करती है टू टीज एंड प्ले, तंग करना और खेलना। हु इज टीजिंग हिम, कौन किसे परेशान कर रहा है? हाउ, कैसे? तो बच्चों यहाँ पे हम आंसर कैसे लिखेंगे? जो गिलहरी है वो कभी कभार परेशान कर रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा द स्क्विरल इज टीजिंग द पोएट, ठीक है। हाउ, कैसे? कि वह बार बार उसके पास आती और फिर दूर भाग जाती, तो द स्क्विरल स्लोली कम्स नियर टू द पोएट एंड अगेन रन अवे, कब भाग जाती? When the poet tries to catch her, जब poet उसको पकड़ने की कोशिश करता तो opposite direction में भाग जाती। तो हम इसका answer कैसे लिखेंगे बच्चों? The squirrel is teasing the poet by coming towards them and then running away from them. पहले तो उसके पास आती है, फिर उससे दूर भाग जाती है। और ये कब होता है? When the poet tries to catch the squirrel, ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर नंबर थ्री हुआ। The squirrel is teasing the poet by coming towards them and running away to the opposite side of the tree when poet moves towards it, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा, आंसर 1, 2, 3। किसी भी बच्चे को छूट गया हो तो वीडियो को पॉज करके बैक कर सकता है, मैं वापस बता रहा हूँ, न्यू पेज पे पोएम द स्पिरिट डालना है, वर्किंग विद द पोएम क्वेश्चन 1, 2 और 3 उतार के उनके आंसर्स लिखने हैं। तो आज हमारा ये पोएम द स्पिरिट फिनिश होती है, ठीक है बच्चों, हमारे इंग्लिश की क्लास आज यहीं फिनिश करते हैं।